ऐसा नहीं है कि सारे कुकर्म समाजवादियों ने ही किए हों। इस कविता में कई स्वर हैं, कई आवाज़ों में ये कविता बोलती है, और ये सारा कवि स्वर नहीं है, एक तरह की इसमें डिबेट है। इसमें एक पहली पंक्ति है, वो एक बड़े घाघ समाजवादी बोल रहा है, और फिर उसमें एक पस्त वामपंथी स्वर है, और उसमें इस तरह के कई आवाज़ें हैं जो बातचीत सुनते रहते हैं हम चारों तरफ, उसके भी टुकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कुकर्म समाजवादियों ने ही किए हों। अर्धवाम तो वो थे ही, देशभक्त और सर्वधर्म संभावक तो थे ही। उनकी कुछ गाढ़ी दोस्तियाँ मार्क्सवादियों से भी थीं, मुसलमानों से भी, और मैकाले परस्तों से भी कोई जाति रंजिश न थी। उन्होंने हमेशा सिद्धांत की लड़ाई को सिद्धांत तक रखा, मर्यादा न तोड़ी। संघी राज अकेला उन्हीं का लाया हुआ तो नहीं, मोदी संरचना क्या उन्हीं के चाहने से आई? पीछे की बात करें तो क्या करते लोहिया और जेपी? मामला पतन और गिरावट का नहीं, युगीन नियति का है। समाजवाद की बातें हवा हुई, धर्मनिरपेक्षता बचाई नहीं बच रही। सामाजिक न्याय की शक्तियों का हाल आपने देख ही लिया, कि जहां ताकत ही ताकत है, चीख नहीं। क्या तो नाम था उस कवि का जिसने ये कहा। रही बात कम्युनिस्टों की, तो कम्युनिस्टों में भी अब क्या बचा रहा है? ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में हम आपको ही नज़र आती है बदतरी। ऐसा भी नहीं है कि हिंदुस्तान ही में निवास करती हो ये बदतरी। ये एक चौथाई सदी खड़ी है तीन सदियों के मलबे पर। न मुक्ति की बात रही, न मुक्ति संग्राम की। औद्योगिक हड़ताल कैसी, गर्वीले कामगार कहाँ। पूंजी पूंजी न रही, वित्त ही वित्त है अब। किस दुनिया में रहते हो साथी, मजदूर वर्ग अब एक मिथ है। वर्ग भी मिथ है, मिथ हमेशा मिथ थी, जब तक थी अच्छी थी। लाल लाल लहरा लिया, जब तक लहरा लिया। कहते हैं सभी विज्ञजन, समाज विज्ञानी, इतिहासज्ञ, मीडिया विशेषज्ञ, अभियंता, चिकित्सक, खिलाड़ी, और सच तो यह है खुद आप, सिर्फ हम ही नहीं। हमारे ज़माने में विमर्श है, अमर्श भी खूब है, किसी का लेकिन पक्ष पता नहीं चलता, और कहाँ कौन कहाँ जाकर मिलता है किसी से, कितनी देर लगा रहता है फ़ोन पर, नेट पर, किसकी कितनी ऊर्जा जाती है हिसाब किताब में। चाल चलन मापने के ये पैमाने व्यवस्था के काम आते हैं, जीविका से इनका क्या रिश्ता। सच्ची मेहनत, सच्ची आग, सच्चा अनाज, सच्चे आंसू ऐसे नहीं आते। अचानक खून के धब्बों की तरह उभरती हैं खाली जगहें, कभी यहाँ कभी वहाँ। जिन्हें भरने दौड़ते हैं वो सब, जिनके कंधे पर गमछा, बगल में बच्चा नहीं। मेट्रो में मिला नए अर्थतंत्र में काम करता 19 साल का लड़का, कहता है क्या अन्याय सर, आप ही बताओ, व्यवस्थाएं कहीं चला करती हैं अन्याय के बिना? क्या तुम किसी गरीब के बेटे नहीं? सुनकर वो आपा खो देता है। गरीब क्यों होने लगे हम अंकल जी? आपने मेरे को कम्युनिस्ट समझा है क्या? ऐसे मूड में है हमारा नौजवान, यही उसका प्रतिरोध है। यों मुकम्मल होती है सादर प्रणाम से शुरू हुई बात। एक चौथाई सदी खड़ी है तीन सदियों के मलबे पर। प्रतिपक्ष है जहां स्त्री नहीं, स्त्री है जहां
प्रतिपक्ष नहीं, और स्त्री मैं है, स्त्री वह नहीं। स्त्री का शोर ही जहाँ स्त्री है, खामोशी स्त्री नहीं, संशय मनुष्यता नहीं। पितृसत्ता का विनाश भी अब एक खराब सा जुमला होकर रह गया है, जो विरोध की लाचारी बताता है, जिसे सबसे पहले संरक्षण चाहिए और अंत में संरक्षण। अदालत में पेश हो तो पुलिस के साथ, थाने जाना हो तो वकील के हमराह, पीछे गैर भरोसेमंद सी एक ओबी वैन। जो लोग पर्दों पर निगाह गड़ाए रहते हैं, यकीन मानिए पर्दा भी उन्हीं को देखता है। टेक्स्ट और ओरल तक न रह जाइए, जानिए विजुअल, डिजिटल, वर्चुअल। ऐसा तादात्म्य इतिहास में कभी देखा नहीं गया कि यह एक दैनिक चमत्कार है। हिंदुस्तान भी बस एक चमत्कार है। दलालों ने हर चीज़ को खेल में बदल दिया है। वीडियो गेम से उकताते हैं तो मुसलमानों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, और जो रास्ते में आता है कहते हैं हम आपको देख लेंगे, नंबर आपका भी आएगा जी। हम बार बार बोल चुके हैं, ज़ोर से कहता है एक दलित विमर्शकार। हम बार बार बोल चुके हैं, ज़ोर से कहता है एक दलित विमर्शकार, हिंदू मुस्लिम मामला खुली धोखाधड़ी है। साफ मिलीभगत है दोनों पक्षों की, ताकि दलितों का पक्ष सामने ना आने पाए। थोड़ी बहुत मारकाट से क्या फ़र्क पड़ता है, असली लड़ाई दलितों की है, मियां लोगों की नहीं। यह एक चौथाई सदी खड़ी है 3 सदियों के मलबे पर। खुला मैदान है, कहीं भी मूत लो, किधर भी लिपटाओ। असल सच्चाई ये है कि जो उत्तर सत्य पर ईमान लाए, वही है इस ज़मीन का सच्चा वारिस।